अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास का चैप्टर थ्री का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो उसमें जैसा कि आपने देखा था कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन हॉरिज करने से जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है, यानी इलेक्ट्रॉन हॉरिज करने के लिए जितनी एनर्जी हमें ज़रूरत होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी से उल्ट है। देखिए इसकी डेफिनेशन, किसी एलिमेंट का आजाद गैसी हालत में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से खारिज होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। यानी कि कोई भी हमारे पास एटम है, तो पीछे आपने पढ़ा था, जैसे ये देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ, ये हमारे पास एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। आयनाइजेशन एनर्जी पड़ी थी कि इसमें से हमने ये इलेक्ट्रॉन खारिज करना है तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने दाखिल करना है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए करेंगे तो इसमें से एनर्जी खारिज होगी। खारिज क्यों होगी? क्योंकि जो हमारे पास पहले वाला इलेक्ट्रॉन है उनकी और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चाहिए। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो हासिल करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो इसकी अट्रैक्शन कम होना ज़रूरी है, ताकि वो इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो पहले वाली अट्रैक्शन के लिए को ख़त्म करने के लिए ये एनर्जी खारिज होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के अंदर दाखिल किया जाता है तो वहाँ से एनर्जी जो है वो खारिज होती है। अब हम देखते हैं कि पीरियड और ग्रुप में जो है वो इसका क्या रुझान है। तो पीरियड में देखें एटम का साइज कम होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। यानी पीरियड में अगर बाएं से दाएं जानब हम आते हैं तो एटम का साइज जो है वो कम होता जाता है, न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। देखें अगर हमारे पास एक इतना सा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। ये इसके लिहाज से पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिहाज से एनर्जी ज़्यादा खारिज करेगा, तब ही आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए बाएं से दाएं जाने वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए देखें, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एटम का साइज जो है वो ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ता है, क्योंकि शेल्स की तादाद बढ़ती है, और शेल्स की तादाद बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स पे कम है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन कम होती है। यानी पहले ही उनका न्यूक्लियस के साथ फासला जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन हमने दाखिल करना है, तो इसकी जो है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी खारिज नहीं करना पड़ेगी। इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी एटम के मॉलिक्यूल में मौजूद इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये भी सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे हमने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, और यहाँ पे हम इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है कि अगर एक एटम ने किसी दूसरे एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक ही वक्त में हासिल किया है, तो ये जो है अगर ये दूसरा एटम है देने वाला, जैसे आपने लिविस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है एसिड और बेसिस का, कि एक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है और दूसरा लेता है, तो अब देखें अगर ये देने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो अब जो एटम
इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है उसमें कितनी सलाहियत है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, तो इस सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी अगर किसी एटम ने किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन का पेयर लिया है और वो बॉन्डेड है, इस्तराक्षुता कहते हैं बॉन्डेड है, यानी किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इस्तराक्षुता है, तो उस इसमें दोनों एटम्स में से किस एटम में ज़्यादा सलाहियत है इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की, कितनी सलाहियत है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका रुझान भी जो है वो सेम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ये भी पीरियड में बाई सिद्धांत जान जाते हुए एटम का साइज कम होता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो है वो आने वाले पेयर के लिए यानी आने वाले जोड़े के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल करने से ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है यानी ज़्यादा एनर्जी से अपनी तरफ खींचता है। इसलिए पीरियड में दाएं से बाएं जानिब जाते हुए वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा होती है। ग्रुप में अगर देखा जाए ऊपर से नीचे आते हुए तो एटम का साइज जो है वो बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। सेम सारी वही चीज़ें हैं जो हम पहले पीछे कई दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे आते हुए कम होती है।